my killer, 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 bang, 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 bang. Killer, 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 bang, 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 bang. Murder, 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 murder. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इलेक्ट्रो कूलर तीस वाली वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं कॉन्करर के लिए। तो गाइज हम लोग यहाँ पे डुओ रैंक पुश कर रहे हैं कॉन्करर के लिए। तो गाइज ये वाला खतरनाक मैच बिल्कुल निकल के आया था और इस मैच के थ्रू गाइज हम कुछ टिप्स देंगे आप लोगों को। आप लोग गाइज BGMI खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, पबजी KR खेल रहे हो, कोई भी पबजी का गाइज कोई भी मोड खेल रहे हो, आप लोग अगर रैंक पुश कर रहे हो कॉन्करर के लिए गाइज, तो ये वीडियो गाइज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू गाइज मैं बताने वाला हूँ कि आप भाई कॉन्करर कैसे जल्दी से कर पाओगे। देखो गाइस, जब तक ये सन स्टॉर्म वाला मूड है तब तक भाई बिल्कुल खतरनाक प्लस ले सकते हो आप। पहले जोन में उतरो गाइस, क्या करना है भाई, अच्छे से फाइट लेनी है। अगर अच्छे से किल मिल जाते हैं तो गाइस आप मर भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी टाइम हम लोगों को सेफ खेलना है, थोड़ा टॉप 10 तक गाइस सेफ खेलना है, उसके बाद तो भाई चिकन डिनर आराम से हो जाएगा अपना। तो गाइस डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं, डर के बिल्कुल भी नहीं खेलना है। जब तक भाई ये सन स्टॉर्म है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। गाइस यहाँ पे मैंने सन स्टॉर्म था तो मैं गाइस यहाँ पे डैड में मिलिट्री भी सुधर जाता हूँ। भाई साहब उड़ के आते हैं, इनको नॉक करते हैं। दूसरा वाला बंदा है, इन दोनों बंदों को नॉक करके गए, जिनकी तो पीटी बना दिए थे। बट ये पीछे से भाई थर्ड पार्टी करता है बंदा, यूजी चलाता है, मेरी HP भी बिल्कुल होती। मैंने टीममेट को भाई फटाफट से बुलाया, भाई रिवाइव दे दो। वो बंदा भाई रश करे जा रहा था और दो गए यहाँ पे, इसको कैसे निपटाते हैं। भाई साहब ये मेरे टीममेट को नॉक करके फिनिश कर देता है बिल्कुल। मैं भी आता हूँ गाइस, पीछे भी पड़ती है, पीछे भी बंदे थे। क्या मैं इसको जंप एंड शूट देता हूँ भाई, हेडशॉट लगता है, बंदा खत्म हो जाता है, टायर खत्म होता है, मतलब इसकी टीम भाई एलिमिनेट हो चुकी है। मैं यहाँ पे आता हूँ भाई, हीलिंग वीलिंग करता हूँ और दो बंदे खतरनाक बिल्कुल रश कर रहे थे, उनके फुटस्टेप भाई अजीब ही आ रहे थे बिल्कुल से। यहाँ बंदा एक मॉली करता है, मैं पीछे जाता हूँ और देखो गाइस ये वाले डुओ को क्या ही खतरनाक निपटाता हूँ। गाइस इस वाले एलिमिनेशन के लिए तो एक लाइक बनता है भाई, क्या ही निपटाया इन दोनों डुओ को भाई। और गाइस एक नोटिस करने वाली बात ये है कि गाइस आप भी आप पे जब भी रश हो तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है भाई, अपना भाई नेचुरल गेम खेल रहा है बिल्कुल। अगर आप रश करके भाई मार सकते हो बंदूक तो रश करके मार दो, थोड़ा सा स्टे करके गाइस मार सकते हो स्टे करके मार दो। गाइस बिल्कुल भी अपना बिल्कुल नेचुरल गेम खेलना है, नेचुरल गेम खेलोगे गाइस तो भाई ईजिली उनको टेक डाउन कर पाओगे। गाइस जब पॉइंट की बात है तो भाई फ्री का किल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बॉट भाई टहल रहा था कब से भाई, उसकी भी फाइटिंग हो रही थी, शायद दूसरे बॉट को उसने निपटाया तो भाई उसको मैंने निपटा दिया। यहाँ पे एक किल तो भाई अपना ऐड हो गया। अभी गाइस यहाँ पे लेफ्ट में नोटिस करना, एक हैकर यहाँ पे बैन होता है। गाइस ये तो भाई डे फर्स्ट है भाई, गाइस आगे आने दो भाई, कितने हैकर बैन हो गए आप लोग तो देखते रहना। अब भाई सामने बंदा था, सामने बंदा जंप करता और मैं गाइस क्या करता हूँ उससे पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। गाइस देखो अब यहाँ पे पंच जंप एंड पंच टेक्निक का भाई इस्तेमाल करता हूँ, इससे क्या होता है गाइस आपके फुटस्टेप नहीं आते। और मैं यहाँ पे जैसे पहुँचता हूँ भाई राइट से एक बंदा भाई मुझको रश कर देता है मुझ पर। भाई साहब जैसे ही वाले बंदे को निपटाता हूँ सामने वाला बंदा फायदा उठाना चाहता है, वो वाला भी बंदा रश करेगा बट भाई साहब देखना यहाँ पे जिगल क्या देता है। भाई साहब जिगल तो था बट अपना भी जिगल था गाइस, यहाँ पे इसको निपटाते हैं, नॉक करके निपटा देते हैं। उसके बाद गाइस अब यहाँ पे मिलिट्री बेस में कोई नहीं बचा था सन स्टॉर्म में, मैं अपने टीममेट को बुलाता हूँ गाइस, उसको थोड़ा बहुत लूट देते फिर चलते हैं जोन साइड, क्योंकि गाइस जोन जाना है और ब्रिज क्रॉस करना है। सुतर ना उतर के पहले ऐसे
कोई नहीं गाइस, मैं जानबूझ के रश खेल रहा था क्योंकि गाइस मेरे पास स्क्रैप चैम था। तो गाइस मेरे पास अभी टाइम था, एक मिनट का पूरा टाइम था। मैंने कहा रश करके खेल लेते, कुछ किल और निकल जाएंगे तो गाइस अच्छा बात है, अच्छी पॉइंट मिल जाएगी, उसके बाद गाइस सेफ खेलेंगे। तब तक गाइस भाई यहाँ पे कांड हो जाता है, कोई बात नहीं, यहाँ से मैं फिर से रिकॉल होकर आता हूँ गाइस और जाता हूँ अपनी पेटी लूटता हूँ और इन वाली बंदों की खैर नहीं गाइस, इन वाले बंदों की भी पेटी बनाएंगे, आप लोग बस देखते रहो। अब गाइस जोन कट चुका था, सारे बंदे जोन में थे, मैं यहाँ पे भाई गाड़ी लेके जोन साइड में आता हूँ। तभी एक बंदा भाई इस वाले घर में जाता है, मैं उसको गाइस नोटिस करता हूँ, तुरंत गाइस वो ऊपर चला जाता है। तो मैं यहाँ पे आके एक ग्रेनेड का पिन खींचता हूँ और गाइस वो बंदा क्या करता है, वही गलती करता है, बंदा पैनिक होके गाइस यहाँ पे पैनिक रूम में जाता है और देखो बूम भाई डैड जाता है और बंदा यहाँ पे डैड फिनिश हो जाता है। अब गाइस 7 बंदे अलाइव बच चुके हैं मुझे लेके, गाइस मतलब 6 बंदे अलाइव है, 3 डुओ। और देखो गाइस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरे भाई 16 किल होने वाले हैं, मतलब गाइस मैं अभी 5 बंदे और मारूंगा। तक गाइस अभी आप लोगों ने भाई रस्ट गेम प्ले देखा, अब थोड़ी सी गाइस भाई सेव गेम प्ले। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इस वाले बंदे को निपटा के इस वाले छोटे वाले कंपाउंड में जाता हूँ। गाइस यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, सेव खेलना भाई। मेरे सामने बंदे रहते हैं तब भी मैं फायर नहीं कर पाता क्योंकि गाइस एक को भाई फायरिंग दूंगा, वो नॉक होगा, बंदा कवर में जाएगा, रिवाइव हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं भाई सही एंगल का भाई वेट करता हूँ। जैसे देखो गाइस सामने 2 बंदे आए, एक बंदा गाइस अभी पार कर जाएगा, उसको मैं फायरिंग नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पे बूस्टर पीते रह गया। दूसरा वाला बंदा जंप कर रहा था, यहाँ से मैं उसको भाई नॉक कर सकता था बट मैंने नॉक नहीं किया, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था भाई। ये पेशेंस भी ज़रूरी है। क्या बंदा आता है, सले बंदे को नॉक करके गाइस की डाइट पे ही डाल देते हैं और भाई इसका सामने बंदा बच चुका है। और गाइस यहाँ पे आप लोग एक बात नोटिस करोगे, मैं गाइस यहाँ पे देखो क्या दिमाग लगाने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल मुझे ये, मैं इसी वाले कंपाउंड में रहूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास कितने स्मोक है। मेरे पास गाइस यहाँ पे 4 स्मोक रहता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ लेफ्ट साइड में भाई 2 से 3 स्मोक कर देता हूँ, जिससे उस वाले बंदे को लगे कि मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से रोटेट कर रहा हूँ उस वाले कंपाउंड में। और बंदा क्या करता है आप लोग गाइस देखो, उसकी गलती देखना बस, यहाँ पे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी गाइस आप इजीली फाइट निकाल पाओगे। मुझे यहाँ पे स्मोक कम लग रहा था तो गाइस मैं यहाँ पे एक स्मोक का पिन और खींचता हूँ और आगे डाल देता हूँ उस वाला बंदा। वो वाला बंदा गाइस बिल्कुल भी कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि भाई बंदा स्मोक से आएगा, वो स्मोक पे फायरिंग भी करता है बट वो गलती करता है भाई, वो राइट से रोटेट करता है और यहाँ पे मैं उसकी इजिली पेटी बनाने वाला हूँ। आप लोग देखो गाइस, अगर गाइस आप लोगों ने नोटिस करा होगा तो ये वही दोनों बंदे थे जिन्होंने हमारी पेटी बनाई थी भाई बग्गी पे। तो यहाँ पे अपना रिवेंज कंप्लीट होता है। और गाइस यहाँ पे देखो सामने भाई बंदे आ जाते हैं, मैं क्या करता हूँ फिर से मैं वही टेक्निक अपनाता हूँ, मैंने राइट साइड पे स्मोक कर दिया और मैं इसी वाले कंपाउंड में रहने वाला हूँ। गाइस देखो इस वाले बंदे को मैं यहाँ पे ईजिली भाई नॉक डाउन कर सकता हूँ, लेकिन गाइस क्या फ़ायदा, वो मेरी पोजीशन भी जान जाएंगे और प्लस वो बंदा रिवाइव भी हो जाएगा। अगर मैं रश करूँगा तो गाइस वो हम मुझे ईजिली खा जाएंगे। बंदे भाई ग्रेनेड करते हैं राइट साइड में जहाँ मैंने स्मोक कर रखा था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बंदे सोचते हैं कि भाई राइट साइड में स्मोक में बंदा होगा और बंदा यहाँ इस वाले कंपाउंड में आता है, तो गाइस यहाँ पे इजीली 1 बंदों को निपटाता हूँ मैं। गाइस जब तक भाई अगर आपको भाई कॉन्कर करना है तो गाइस सही खेलना होगा। स्टार्टिंग में अगर स्क्रैप चैम वाला भाई मोड है तो भाई स्टार्टिंग में फाइट ले लो, अच्छे किल्स निकाल लो, क्योंकि गाइस अच्छे किल्स निकालोगे तो अच्छे पॉइंट्स आपको भाई हो सकते हैं, मिल सकते हैं। और इस वाली गेम का भाई एंडिंग बहुत ही खतरनाक है गाइस, एंडिंग मिस मत करना, बहुत ही तगड़ा है। आप देख रहे हैं गाइस सामने एक बंदा रश करता है, मैं इस वाले बंदे को जो भाई कब से विंडो से झांक रहा है उसको मैं नॉक कर सकता हूँ, बट गाइस कोई फायदा नहीं, नॉक करूँगा रिवाइव हो जाएगा, वो बंदा सामने से रश करेगा। गाइस अभी देखो उसकी पेडी कैसे बनाते हैं। भाई साहब यहाँ पे बिल्कुल खतरनाक सिचुएशन हो चुकी थी, इसका बंदा एक राइट में चला जाता है, जो भाई नीचे 2 भाई बंदे रहते हैं, एक डो जो रहता है उसको वहाँ पे नॉक डाउन करता है, ये वाला बंदा राइट साइड पर आता है, इसको भाई निपटा देता है, डैमेज काफ़ी दिया था। ये बंदा इधर आता है हिल लगाने, बट इसको भाई दौड़ा के इसकी पेड़ी डाल देते। अब 2 बंदे सामने बचे गए, एक डो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे स्मोक उठा लेता हूँ, ग्रेनेड थ्रोबेल्स भाई, थ्रोबेल्स आपको पता है कि भाई लास्ट जोन में कितना काम आता है। यहाँ पे मैंने भाई एक ग्रेनेड कर दिया सामने, मैं यहाँ पे 2 फिर एक स्मोक कर देता हूँ,
एक दो स्मोक और कर देता हूँ। और गाइज यहाँ पे मेरा दिमाग देखना, कहीं फिर से वही ट्रिक अपनाएंगे हम। यहाँ मैंने भाई दो स्मोक कर दिया सामने, अब यहाँ पे मैं एक दो ग्रेनेड और डाल देता हूँ, जिससे भाई अगर सामने बंदा हो तो भाई फट जाए। बट बंदे गाइज बहुत ही चलाक थे, बंदे पीछे थे। तो गाइज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे ग्रेनेड करता हूँ बट कोई बंदा फटता नहीं है, तो मैं यहाँ पे भाई बिल्कुल भाई लेफ्ट साइड से रोटेट मार देता हूँ भाई, आउट ऑफ जोन से भाई जोन में चला जाता हूँ। आप लोग बस देखते रहो भाई, मज़ा आने वाला है बिल्कुल। ये वाली डुओ क्या ही मैं खाऊंगा। मैंने गाइज वही ट्रिक अपनाई, मैंने उस साइड पर स्मोक कर दिया, जैसे लगे कि बंदा उस साइड से ही आ रहा है, बट मैं यहाँ पे पूरा लेफ्ट से रोटेट करता हूँ और एक बंदा भाई क्या ही उस स्मोक में ग्रेनेड पे ग्रेनेड करा जा रहा था। मैं यहाँ पहुँचता हूँ भाई, वो ग्रेनेड का पीनी खींचता है बंदा, यहाँ पे मैं उसको नॉक करूँगा। देखो आप लोग, इसको जैसे ही नॉक करते भाई लेफ्ट साइड से बंदा फायरिंग करता है। गाइस यहाँ पे क्या लगता है आप लोगों को भाई, मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा? भाई बंदा मॉली कर देता है, मेरी एचपी बिल्कुल लो हो जाती है, मैं इस साइड आके भाई हीलिंग करता हूँ। गाइस आप लोग भाई सामने मॉली है, आप लोग गाइस मैच देखो भाई। जी गाइस यहाँ पे फाइनली अपना चिकन डिनर हो जाता है भाई। क्रिटिकल सिचुएशन थी बिल्कुल भाई, मॉली से बिल्कुल मैं ख़त्म ही हो जाता, बट कोई नहीं गाइस। आज भाई 16 किल हो चुका है डुओ में भाई, आज से कॉन्करर के लिए भाई पुशिंग चालू है। आप लोगों गाइस ऐसे वीडियो रोज़ डेली मिलती रहेगी। ये वीडियो गाइस आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।